हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज की जो ये ब्लॉग है वो बहुत ट्रैवलिंग ब्लॉग होने वाली है, तो एंड तक देखना मत भूलना गाइस। सो वी आर एट असम राइफल्स, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। मैंने बहुत टाइम बिताया इस जगह पे, डेफिनेटली बचपन में। ये मेरे दिल के साथ, ये जो एरिया है ये बहुत जुड़ा हुआ है। आई रियली लाइक दिस आर्मी हेडक्वार्टर्स, दैट इज द असम राइफल्स। पहली बात तो यहाँ का जो सबसे अमेजिंग बनियान ट्री वो तब भी था, आज भी है, 20 साल पहले भी थी, 20 साल बाद भी है आज। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, असम राइफल ब्रांच। तो देखते हैं, अमेजिंग सी प्लेस को। हाँ, कैंटीन, असम राइफल कैंटीन, देखते हैं खुला भी है कि नहीं, कितने बजे खुलता है ये, 8:30। ये रही असम राइफल्स का प्लेग्राउंड, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है आर्मी जवान जो है, एंड दे आर सीटिंग एंजॉयिंग देयर टाइम। एंड बहुत कड़ी निगरानी है यहाँ पे, बहुत इको फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट है यहाँ पे। आपको अमेजिंग सी प्लांट दिखाती हूँ, ये है जैक फ्रूट। लगी हुई है जैक फ्रूट, ये रही जैक फ्रूट। खींचू, कोई मेरे को मार ना दे इसको खींच के निकालू। ये देखो गाइस, इतना बड़ा बड़ा जैक फ्रूट, ये एक है, एक दूसरा है, इतना बड़ा जैक फ्रूट नेचुरल, और इतने सारे जैक फ्रूट्स होके रखे हैं यहाँ पे असम राइफल्स में। मेरा तो मन कर रहा है अभी, मेरा जो पेट है वो तो मन कर रहा खा लूँ। देखो कितने सारे गिर गए यहाँ पे, और इतने सारे जैक फ्रूट्स है यहाँ पे, सारे नेचुरल जैक फ्रूट्स। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, और इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, दूर दूर तक सिर्फ ग्रीनरी है। रियली वेरी ब्यूटीफुल माइंड। हम असम राइफल के स्कूल के तरफ जा रहे हैं एडमिशन के बारे में पूछताछ करने। पुराने कैंटीन में क्या मिलता है, ओल्ड इज गोल्ड। इतना सुंदर एरिया है ना। सो गाइस, ये थी स्कूल, गाइज ये है लाजवंती प्लांट। इसको अगर आप ऐसे करके टच भी करते हो ना, जैसे मैं आपको एक फेनोमेना दिखाती हूँ इस प्लांट का, सबसे खास बात कि ये ना मैंने ऐसे इसको टच करने में भी डर लगता है, इसको टच कर लिया ये देखो, ये ना अपने आप ही श्रिंक कर जाती है, जैसे इसके ऊपर टच करते हैं ना वैसे ये श्रिंक करती है। देखा, ये अपने आप श्रिंक करती है, इसको बोलते लाजवंती। सो गाइस, ये तो इतना बड़ा बैम्बू प्लांट्स,
कितना लंबा है बैम्बू प्लांट्स यहाँ पे? गाइस यहाँ पे पूरा मिनिएचर बना हुआ है रेलवे का, सुंदर सुंदर और प्यारा रेलवे मिनिएचर है, पूरा मिनिएचर बना हुआ है इसमें। ये मिनिएचर है, मिनिएचर गार्डन है ये, जैसे यहाँ का फेमस पैलेस उज्जैन पैलेस का मिनिएचर है। और ये है चतुरदास देवता मंदिर का मिनिएचर, ये अगरतला का रेलवे स्टेशन का मिनिएचर। और गाइस उसी के साथ ये ब्लॉग एंड होती है, एंड मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल दैट टाटा, बाय बाय, डू वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।